नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे साइपॉन सिरप के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर सिरप है। इस सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सिरप है इसको जेनो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी बनाती है और ये मेडिकल स्टोर पे आपको 124 रुपए की 200 ml की बोतल आती है, जो कि मिल जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में साइपॉन सिरप से जुड़ी पूरी जानकारी हम हिंदी में और विस्तृत जानेंगे, शायद आपने दूसरे किसी वीडियो में ना जाना हो। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके काम करने के तरीके के बारे में कि ये सिरप कैसे काम करती है, ये सिरप आप किन किन समस्याओं में ले सकते हैं, बच्चों को ये सिरप कब दी जा सकती है, इसके अलावा इसका डोज कितना लेना है बड़ों में और बच्चों में, इसके अलावा बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट क्या कुछ आते हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो साइपॉन सिरप है इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डाली गई हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको प्रति 5 ml सिरप में साइप्रोहेप्टाडीन 2 mg देखने को मिलता है, ट्राइकोलिन सिट्रेट 275 mg देखने को मिलता है, सॉर्बिटॉल 2 ग्राम देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों प्रति 5 ml में होता है। बात कर लेते हैं ये जो सिरप है आखिरकार कैसे काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो साइप्रोहेप्टाडीन है ये बेसिकली भूख को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो ट्राइकोलिन सिट्रेट डाला गया है ये बेसिकली बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सॉर्बिटॉल डाला गया है, ये सॉर्बिटॉल जो है ये सिरप बेस की तरह भी काम करता है, साथ ही साथ इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी भी होती है, लैक्सेटिव होता है, जो कि कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन में आराम देता है आपको। ये सिरप ऐसे कुछ काम करती है। वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं साइपॉन सिरप का उपयोग किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा लड़का है या आदमी है, कोई भी व्यक्ति हो जिसके भूख न लग रही हो, तो वहां पर आप ये सिरप रेगुलर उपयोग करेंगे तो आपकी जो भूख है उसको ये सिरप बढ़ाने का काम करती है, बच्चों में भी भूख को बढ़ाने का काम करती है। अब होता क्या है दोस्तों, जब आपके भूख नहीं लगती है तो क्या होता है भाई, अब खाना नहीं खाएंगे तो आपका जो वजन है वो भी तेजी से कम होने लगेगा। तो जब ये सिरप आप पिएंगे, भूख अच्छे से लगेगी, खाना अच्छे से खाएंगे, तो क्या होगा आपका जो वजन है वो भी बढ़ेगा। तो अगर कोई बहुत ज्यादा दुबला पतला व्यक्ति है या बच्चा है जो खाना ठीक से नहीं खा रहा है, तो वहां पर ये सिरप आप देंगे तो ठीक से खाना खाएगा, जिससे उसका वजन भी बढ़ेगा और भूख भी बढ़ेगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, खासकर जो बच्चे हैं जो 2 साल से ऊपर हैं, उनका बहुत ज्यादा वजन कम है, तो वहां पर ये सिरप आप देंगे तो क्या होगा उनका जो वजन है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। ये इस सिरप के उपयोग हैं दोस्तों। वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस सिरप को कैसे और कितना डोज लेना है। साइड इफेक्ट कुछ इसके साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इसके अलावा आपके मुंह में सूखापन होना, नींद ज्यादा आना, ये जो है सिरप लेने के बाद में आपको धुंधला दिखाई देना, ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसमें से या फिर इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है तो इस सिरप को फर्दर उपयोग नहीं करना है, साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। बात कर लेते हैं दोस्तों ये जो सिरप है कैसे लेना है और कितना डोज लेना है। बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये सिरप उपयोग करें, उपयोग करने से पहले जो बोतल होती है उसको अच्छे से सेक कर लें, सिरप अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, इस सिरप को आप खाना खाने से पहले लेंगे अगर आपके भूख नहीं लगती है, 30 मिनट पहले आप ले सकते हैं। बात करें दोस्तों तो डोज के बारे में, तो जिन बच्चों की उम्र 2 साल से लगाकर 6 साल के बीच में है उनको 5 ml सिरप सुबह शाम देनी है। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 7 साल से लगाकर 14 साल के बीच में है उनको 7 से 10 ml सिरप आप सुबह शाम दे सकती हैं। इसके अलावा बात करें अडल्ट्स की, तो वहां पर 10 से 15 ml सिरप सुबह शाम पी जा सकती है। ऐसे इसका डोज लेना है। बात करें कब ना लें, तो अगर इस दवाई से आपको एलर्जी है तो वहां पर इस सिरप का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो साइपॉन सिरप के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं।
मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।